Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Essentials by Sara. I hope you guys are doing really very great. So आज का vlog शादी की shopping का vlog है, wedding dress की vlog है, wedding dress जो video है वो मैंने थोड़ी सी clipping बना ली थी और यहाँ पर जो है ये वलीमे का dress है, reception dress and we got it from Kashish Bridals from Tariq Road और उस वक्त जो है वो मैंने clipping ले ली थी. बाकी मैं आगे चल के भी आपको उसका lookbook दिखाऊँगी पूरा. और ये वाला vlog बनाने का मकसद आपको जस्ट एक बताना था कि हम लोगों ने कैसे किस तरीके के कपड़े बनाए. ये मेरी मम्मा का सूट है जो हमने मेहंदी वन में पहना था, जो लड़की की तरफ मेहंदी गई थी. एंड द सूट इज़ लुकिंग सुपर गॉर्जियस. इसमें बीच में स्टोन का काम हुआ हुआ है और बीच में ऊपर और नीचे दामन पे जो है वो कंट्रास्ट है. गाइज ये वाला सूट जो है वो मैंने पापोश से लिया था. पापोश वाली मार्केट का मैं व्लॉग बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं. सो गाइज उनकी दुकान पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है और हम सब लोगों ने जो है वो गरारे की थीम रखी थी. बारात में गरारा पहले का यूटिलाइज़ किया था क्योंकि आजकल ऐसे गरारे बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है. बहुत घेर वाले गरारे थे तो मेरी मम्मा का था शादी का, तो मैंने उनके लिए ये शर्ट डिज़ाइन करी थी. एंड द मटीरियल एंड द फैब्रिक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. और इसमें इस तरीके की डोरी पाइपिंग लगवाई थी और गरारे का मैं पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग गरारा देख लीजिएगा, वो बहुत खूबसूरत था. तो इसलिए जो है वो सटल कलर रखने के लिए गोल्डन इसकी शर्ट ली थी. और यहाँ पे जो है वो मैं सूट रखती जा रही हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने ये शूट किया था उस दिन जो है वो मैं प्रेस करके कपड़े रख रही थी. और ये वाला मेरा मेहंदी का सूट है, ये भी मैंने पापोश से लिया था. ये टिश्यू का सूट है जिसमें जो आजकल ये न्यू वर्क चला है काम का एम्ब्रॉयडरी का, वो बनी हुई है सीक्वेंस में और डिफरेंट कलर्स भी हैं. और इसके साथ मैंने जामा वाली पर्पल कलर का लिया था और उसी की मैंने डोरी पाइपिंग ले ली थी और उसकी जो ट्राउज़र पैंट सिलवाई थी. एंड इसकी मैं पिक्चर लगा दूँगी, ये भी सूट बहुत ही बेहतरीन था. ओके सो द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ माई मम्मा. ये सेकेंड मेहंदी का था. ये जो है मिरर वर्क था, इसका भी दुपट्टा बहुत ही प्यारा था. ये दुपट्टा उस वक्त तक आया नहीं था या आई गेस अलग रखा हुआ था सारे दुपट्टों में, तो मैं दिखा नहीं सकी आपको, लेकिन ये भी बड़ा प्यारा है. यहाँ पे जो है प्लेन पीछे का इसका बैग जो है वो प्लेन है, ऊपर जो है वो फ्रंट जो शर्ट है वो मिरर वर्क की है. देन ये वलीमे का सूट है, ये पूरा हैंडमेड एम्ब्रॉयड्री है जो काम होता है जरी वाला काम. और इसके साथ भी मैंने पर्पल कलर का जो है वो ट्राउज़र पैंट थी बनारसी जामावार की. एंड द शर्ट जो है वो उसकी है अपने टिश्यू की है. एंड सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बनारसी कपड़े ना जाके काम वाले सूट से अटकते हैं, बट द सूट इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस. ओके सो ये जो अनदर सूट है, ड्रेस जो है वो बारात का था. मैंने और मेरी बेटी ज़ैनब हम दोनों ने ट्विनिंग की थी. और ये वाला जो ड्रेस है ये जो है ये मैंने वही पापोश मार्केट के पास, एक पापोश मार्केट के अंदर एक दुकान है ऑब्वियसली, वहाँ से जो है वो मैंने ट्विनिंग करवाई थी, अड्डे पे बनवाया था. तो ज़ैनब का जो है वो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा क्योंकि वो कह रहे थे कि बच्चों का अड्डे पे नहीं चढ़ता क्योंकि उसके लिए पूरा फिक्स उन्हें बनाना पड़ता है, अड्डा चढ़ाना पड़ता है. इसलिए तो वो मैंने दोनों, और ये कपड़ा जो है मैंने वही हम्माद भाई की बनारसी शॉप से लिया था वहीं पर पापोश में. मैं तमाम के लिंक्स दे दूँगी, आपको मिल जाएंगे, अफोर्डेबल और अच्छे ड्रेसेस थे. और यहाँ पे जो है वो घर में छोटी सी ढोलकी थी और पैकिंग हो रही थी
बरी के सूट की, तो उसमें हम लोग जो हैं वो पैक करके रख रहे थे। जितने भी जोड़े हैं मैं कोशिश करूँगी थोड़े थोड़े आपको दिखा दूँ, अदरवाइज़ मैं व्लॉग के अंदर आपको ब्राइडल ड्रेसेस ज़रूर इंशाल्लाह शो करवाऊँगी। और जो है यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ के थे, कुछ मैक्सियाँ थी, कुछ काम के सूट थे, कुछ डिफरेंट थे, कुछ रेशम के काम के थे, तो डिफरेंट मिक्स एंड मैच करके रखा हुआ था। और ये जो है हमारे रिश्तेदार जो भात का सूट होते हैं वो लेकर आए थे, तो उस वक्त पंजाब से आए हुए थे। आई होप अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा। सो बड़ा मज़ा आया, सब लोग आए हुए थे माशाल्लाह से। और मैं पूरा कंप्लीट ऑब्वियसली व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन मैंने जो स्टोरीज पे छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट आप देंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सो ये जो है मैंने ओरिजिनल क्लिपिंग रखी है पीछे, जो ढोल आ गया था उस वक्त हम ढोलकी कर रहे थे। और जो है यहाँ पे मेहंदी लग रही है, मेहंदी लगाने वाले को घर से बुलाया था, ये आई गेस उन्होंने मीना बाज़ार से सीखा हुआ था, तो मैंने जो है वो पीछे के हाथों पे लगवा ली थी, आगे जो है वो टिप्पा मैंने ख़ुद बाद में घर में बनाया था सबके। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही है, और बाकी जो है जिस दिन हम लोग मेहंदी लेके जा रहे थे उसी दिन हमें बरी लेके जानी थी, तो उस दिन मैंने पैकिंग की थी। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम हालत ज़ार सब कुछ जो है वो एक तरफ वो मुँह पर आ रहा है। तो मुझे जल्दी जल्दी पैकिंग सूटकेस जो थे वो बरी के जोड़े वो सूटकेस के अंदर रखने थे। और जो है इसी वक्त मैंने मेकअप कलेक्शन की भी वीडियो शूट की थी, अगर आपने नहीं देखी हो ब्राइडल मेकअप किट तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लगा दूंगी। और यहाँ पे जो है कुछ सिले हुए जोड़े आए थे उसको भी मुझे पैक करना था, तो वो तमाम मैं गिन के पैक कर रही हूँ। माय यूट्यूब चैनल सेंशियस बाय सारा। सो माशाल्लाह से माय यंगर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, तो आपको स्टोरी से पता चल गया होगा आई एम एक्सट्रीमली बिजी राइट नाउ। सो ये जो है ये माशाल्लाह से बारात का ड्रेस है, माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा आप लोग। आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करूँगी, यू गाइज आर जस्ट लाइक माई फैमिली, और स्टोरीज पे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि शेयर कीजिएगा। सो ये जो है अभी मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, ये बारात का ड्रेस है और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह भी है, इमिटेशन ज्वेलरी। एंड देन वी हैव दिस वन इज़ द वलीमा सेट, और ब्राइडल्स ये जो है आई गेस ये कशिश ब्राइडल्स का है तारिक रोड, और ये जो है ये इंग्लिश ब्राइडल्स है तारिक रोड, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देन जो है मैं अभी आपको इसकी ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ, और मुझे अभी इसमें पैक करना है, और लेट्स ओपन इट। एंड देन जो है हमारे पास ब्राइडल ज्वेलरी भी है। सो माशाल्लाह से दिस इज़ द ब्राइडल सेट, और ये सेट मैंने पसंद किया था, और इसका झूमर भी बड़ा न्यू स्टाइलिश सा है, सो आई रियली लाइक दिस। एंड द बिंदिया इज़ ऑल्सो वेरी ट्रेंडी, सो दिस वन इज़ लाइक आजकल काफ़ी इन है चोकर के साथ। अच्छी बात यह कि मेरी शादी पे कांच की चूड़ियाँ होती थी, अब अच्छी बात यह है कि ब्राइड्स यूटिलाइज कर लेंगी, दीज ऑल आर मेटल बट इट फील्स लाइक कई कांच की चूड़ियाँ हैं, सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। And mashallah. So this one is, and this is the pouch of this set. So this is the complete bridal joda. Forget about this. Anyway, so यहाँ पे जो है ये silver जो है ये उसका है, and this ring is extremely beautiful. ये भी मैंने पसंद की थी. So yes. आई लाइक दिस काइंड ऑफ जरकून टच की जो ज्वेलरी होती है, और ये आप देख सकते हैं ब्राइडल सेट, और वलीमे का थोड़ा सा इंग्लिश पेसल शेड्स के कलर्स हैं, एंड दिस का पाउच, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब मैं इसको इन दोनों डब्बों में पैक करूँगी, काम बहुत ज़्यादा है, वर्क कम, सो लेट्स स्टार्ट इट। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर और आप शादी के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी काफ़ी देर हो गई, मैं आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, लेकिन नेवर द लेट, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि पहले ब्राइड ने पहने नहीं थे इसलिए अब पहन लिए, तो अब मैंने वीडियो पोस्ट करी। अगर आपको जो भी कुछ पूछना हो, कोई भी क्यूरीज हो, डू लेट मी नो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम विच इज़ एसेंशियल्स बाय सारा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आपको बताएगा कि आपको सब चीज़ें कैसे लगी। सो मिलते हैं किसी अगेन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वीडियोस में, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।